ईद उल अजहा को लेकर कोतवाली शाहबाद में नगर व क्षेत्र के सभी इमामों तथा उलेमाओं की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में शाहबाद क्षेत्र के लगभग अधिकतर इमाम तथा उलेमा मौजूद रहे। मीटिंग में विचार रखते हुए शहर मुफ्ती शमीमुर रहमान साहब ने इमामों से अपील की कि सभी इमाम अपने अपनी मस्जिदों के नमाजियों से अपील करें कि कोई भी व्यक्ति खुले में कुर्बानी न करे। मीटिंग में सभी मस्जिदों के इमाम ने अपनी अपनी तकरीर में इसी बात को लेकर जोर दिया और कुर्बानी में दिखावा न करें, प्यार मोहब्बत से त्योहार मनाए क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों का भी त्योहार चल रहा है, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखें। उप जिलाधिकारी दुर्गा शंकर गुप्ता ने इमामों के जरिए लोगों से अपील करवाई कि हो सके तो कुर्बानी 12 बजे के बाद करें। उप जिलाधिकारी दुर्गा शंकर गुप्ता ने बताया कि नगर पंचायत की ओर से सफाई तथा पानी की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। कोतवाल राजकुमार शर्मा ने कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें तथा कुर्बानी खुली सड़कों पर न करें। अगर कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में प्रभारी निरीक्षक अता मोहम्मद, वरिष्ठ उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष रफत अली, इमाम फारूक बेग, इमाम अली मुर्तजा, मुफ्ती निजामुद्दीन, कारी मुमताज रजा खान, मोहम्मद इजराइल, शरीफ अली, सभासद फहीम अकरम, सभासद नाजिम खान, सभासद राम कुमार, ढकिया के पूर्व प्रधान शरीफ अहमद तथा क्षेत्र के इमाम मौजूद रहे। मीटिंग का संचालन मुकेश कुमार गुप्ता ने किया। जो मुसलमानों की ईद का भी दिन है, कुर्बानी का दिन है और हमारे हिंदू भाइयों की, उसके अलावा हमारे हिंदू भाइयों का भी एक त्योहार का है, तो खुशी बाकी दिशा में जानते हैं कि हमें कैसे करना है। दोनों मजाहब के लोगों को इससे बेहतर कौन नहीं जा सकता, हमें इनका सहयोग करना है, ये हमारे सहयोग है। इसीलिए आप सब लोगों को उन इमामों को और आपके इमामों को इसीलिए बुलाया गया है, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो संदेश दिया जाना है वो आपके माध्यम से प्रचारित हो और लोगों के बीच पहुँचाए। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10-15 बातें हैं, उन बातों को आप लोगों को प्रचारित करना है, साथ ही संदेश बाहर जाना चाहिए। सबसे पहले ये कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी किसी भी दशा में नहीं होगी, चाहे वो चोरी से भी करें तो आप लोग अपने 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 धार्मिक स्थल से उसको संदेश बता दें कि किसी भी दशा में किसी भी गांव में प्रतिबंधित पशु नहीं होगा, यदि संदेश हम लोग उसके खिलाफ आ जाता है। आप अगर 2 घंटा देर से कर लें तो कहीं पर भी विवाद की कोई संभावना नहीं रहेगी, और अगले 2 दिन आपको मिले हुए आप उसमें किसी भी समय करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उस दिन के लिए आपसे ये गुजारिश है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप 12 बजे से कर लें, आप तारीख तय यदि रखते हैं 12 बजे तक कुर्बानी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहें तो 1/2 घंटा पहले भी कर लें, नहीं रुक पा रहे तो, लेकिन कोशिश ये करें 12 बजे तक ही करें, उसके बाद कोई विवाद नहीं होगा, हमारे कांवड़े सारे जा चुके होंगे, हमको कहीं तो दिक्कत नहीं है। तो आपसे पहले गुजारिश किए है, दूसरी ये कि जो उसका जो भी निकले सामग्री उसमें जो उसको पॉलिथिन के बैच में रखें और ढक के डालें उसको जोड़ें, और हमारे नगर पालिका के लोग, नगर पंचायत के लोग रहेंगे, वो उसको तुरंत उठाएंगे, सफाई करेंगे, लेकिन उसको खुले में रखें। आपसे